लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सांध दैनिक आखिरी सूत्र और बीबीसी हिंदी समाचार ने पूरे देश में ऑनलाइन सर्वे कराया। सर्वे में प्रदेश, धर्म और जाति को ध्यान में रखा गया, लेकिन देश हित में प्रादेशिक, मजहबी और जातिगत आंकड़ों का हम खुलासा नहीं करेंगे। सर्वे का सैंपल साइज 3,98,27,311 का है। हमने पुलवामा कांड के बाद बदले हालात और राम मंदिर बनाने की गूंज के दफन होने के बाद लोगों से सीधा सवाल किया कि इस बार किसे वोट देना पसंद करेंगे, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को या फिर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को या फिर इन दोनों से इतर अलग अलग शत्रुओं को। हमारे इस सर्वे में सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार और यूपी में देखने को मिला। बिहार में नीतीश कुमार के दम पर कुलाचे भर रही बीजेपी को आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनौती देंगे। कुल 40 सीटों में नीतीश कुमार की बदौलत बीजेपी भारी पड़ रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 10 और बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए में शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें मिलने के आसार हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 15 और राहुल के पूरे दम लगाने के बाद कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह से जब हमने यूपी को खंगाला तो बीजेपी का 73+ का दावा हवा हवाई नजर आया। तमाम योजनाओं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है और मोदी योगी सरकारों की प्रचंड वेग के बावजूद बीजेपी की हालत काफी पतली है, लेकिन उसे टक्कर कांग्रेस से नहीं बल्कि बुआ बबुआ की टोली से मिल रही है। प्रियंका गांधी के एक्टिव होने के बाद भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही। हाँ, साल 2014 की तुलना में उसकी हालत में सुधार है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का सूपड़ा पूरी तरह साफ होने के आसार हैं। यूपी में बीजेपी को 30, सपा बसपा गठबंधन को 44, कांग्रेस हद से हद 5 और 1 सीट पर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा के जीत के आसार हैं। इसी तरह से हर राज्य में बीजेपी क्षेत्रीय दलों के करिश्मों के भरोसे दिख रही है। अगर देश भर की बात करें तो बीजेपी वाली एनडीए को 270, कांग्रेस वाली यूपीए को 140 और बाकी बची 133 सीटों पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के जीत के आसार बन रहे हैं। आकाश शुक्ल, लखनऊ।